तरफ तो कहते हैं मिनी एमएलए हैं, तो वो मिनी एमएलए का है, वो मिनी शिनी कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ सियासत में अपनी। कहां पे आप है नहीं, आपको दिखे मेयर को तो दिखे नहीं थी, आपको दिखे वो जो यहाँ के डीडीसी जो बीडीसी वो क्या कर रहे हैं, वो मुफ्त में पे ले रहे हैं, हमारे जो हमारे इतने सीनियर लीडर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, चेयरमैन, चेयरमैन सर छोड़ो ना, आप डीडीसी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, चेयरमैन तो काउंसिल के, वो तो ओवरऑल देखते हैं ना सिस्टम। क्या कह रहे हैं कि डीडीसी रियासी जो है वो नहीं बोल रहे, वो वो दिखते ही नहीं है, वो तो हमारे रियासी के लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है उनको जिताया, इससे अच्छा चमन जी को जिताया होता, कम से कम उनको हम आधी रात को पकड़ते हाथों से, चमन जी रियासी के लोगों प्रॉब्लम आप कहाँ बैठे हो, गलती हुई है ना, देरी तो सर, गलती सर यहाँ गलती सबसे होती है, चलो अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, भाजपा सरकार सबके साथ है। मेल जी आप क्या कहेंगे, भाजपा ने कहा है कि वो समझ के बोले। देखिए सबसे पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रोहित दुबे जी का दिल से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वो एक युवा है और हमारी एक हमेशा डिमांड रही है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को हमने हर सेक्टर में अच्छी रोड कनेक्टिविटी देनी, जो खासकर मेरे विशाल भैया जी, हमारे नितिन जी और हमारे वैभव जी, यहाँ कोई पार्टी का मसला नहीं है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जब हम आपकी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे ये लोग, देखिए जो पॉलिटिकल सही बोलते थे जब बोलते थे, देखिए हर किसी का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और उसको एक राइट है, वो किसको क्या बोलता है, लेकिन नहीं जब, सही जब, बोलते थे, जो भी मुद्दे उठाते थे सही उठाते थे, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना था, मैं आज की बात करता हूँ कि आज हम सब इकट्ठे आए क्योंकि हमारी एक रणनीति बनी थी कि हमने यहाँ से जाना था कटरा फिर एलजी हाउस में, हमारे रोहित दुबे जी ने बड़े अच्छे स्टेप लिया और वो आज कहीं जा रहे थे वहाँ से आके नितिन जी और हमें सब लगी चलो, और डीसी मैम से एक बड़ी अच्छी बात हुई और मैडम ने क्लियर कट कहा कि कोई भी ऐसा कोई लूप होल है तो शायद वो आज आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को संबोधित, हमने नितिन जी विशाल जी और हमने एक रिक्वेस्ट की, मैम लोग आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप एक इंश्योरेंस तो दो कि आप ही तो बताओ कि ये रोड का क्या सिस्टम है, जब तक आप ही नहीं बोलोगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे, तो मेरे को लगता है कि आज शाम तक शायद रियासी के लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी कि कब स्टार्ट होना क्या। देखिए हम कोई झूठ या फ्रॉड हम ना बोलते हैं ना हमने बोलना है, हमने लोगों को काम करने हैं और हमें साथ होके संगठित होके नितिन जी होके, ये रियासी का मुद्दा, गलती हुई है ना देरी तो सर, गलती सर यहाँ गलती सबसे होती है, चलो अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, भाजपा सरकार सबके साथ है, अगर गलती अगर इस समय कोई और सरकार होती तो सड़कों पर आप होते नहीं, ऐसी कोई भाजपा का इतिहास तो रहा है, आप तब भाजपा में नहीं थे लेकिन उनका इतिहास आप ये देखिए, आप ये चीज सोचिए, जाइए आप ठाकरा कोट ब्लॉक का एक चक्कर लगाइए, 70 साल वहाँ पे रोड नहीं था, भाजपा ने नारकोट में रोड दिया, आपने सुना नहीं सुना, जाइए आप नवाल मताकर रोड देखिए, और भी सवाल पूछूंगा लेकिन कटरा रियासी, कटरा रियासी की बात कीजिए, वो जो यहाँ का डीडीसी जो बीडीसी वो क्या कर रहे हैं, वो मुफ्त में पे ले रहे हैं, हमारे जो हमारे इतने सीनियर लीडर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, चेयरमैन, चेयरमैन सर छोड़ो ना, आप डीडीसी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, चेयरमैन तो काउंसिल के, वो तो ओवरऑल देखते हैं ना सिस्टम, आप वीडियो जर्नलिस्ट आप वीडियो बना रहा है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पहले वीडियो जर्नलिस्ट बनाएगा फिर आप मेरी बाइक इनवाइट, लोग क्या कह रहे हैं कि डीडीसी रियासी जो है वो नहीं बोल रहे, वो वो दिखते ही नहीं है, वो तो हमारे रियासी के लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है उनको जिताया, इससे अच्छा चमन जी को जिताया होता, कम से कम उनको हम आधी रात को पकड़ते हाथों से, चमन जी रियासी के लोगों प्रॉब्लम आप कहाँ बैठे हो, तो एक तरफ तो वो कहते हैं मिनी एमएलए हैं, तो वो मिनी एमएलए का है, वो मिनी शिनी कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ सियासत में अपनी, कहाँ पे आप है नहीं, आप आपको दिखे मेयर को तो दिखे नहीं, आपको दिखे विशाल जी दिखा हुआ।